गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डी एस एन स्कूल क्लास सेवेंथ। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। वसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करेंगे कि खान पान, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि खान पान की किस प्रकार से जो रूप बदले हैं उसके बारे में ये पाठ है आपका, कि खान पान के कैसे किस किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, पहले क्या था और अब क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग, राज्य के अकॉर्डिंग सब किस तरह से परिवर्तन हुआ है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। मतलब पिछले के जो 10-15 वर्ष हैं उसमें हमारी जो खान पान की जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत का तक सीमित नहीं है। मतलब इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम जो केवल क्या है, दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, वो उत्तर भारत में भी आ चुका है। तो एक तरह से क्या हुआ, खान पान की संस्कृति क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का मतलब होता है तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। मतलब जो दक्षिण भारत के जो व्यंजन है वो उत्तर भारत में आ गए हैं और जो उत्तर भारत के जो व्यंजन है, जो खान पान है, वो कहाँ चला गया है, दक्षिण भारत में चला गया है। तो इससे क्या है, पूरे देश में ये संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। जो खान पान की संस्कृति है उसका आदान प्रदान हो गया है, मतलब परिवर्तन हो गया है उनमें। और जो आजकल तो जो उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं, ये चाहे दक्षिण भारत में जाओ चाहे आप कहीं भी जाओ तो आपको ये रोटी, दाल, साग ये सब मिल जाता है जो उत्तर भारतीय खाते हैं। फास्ट फूड है जिनका चलन बहुत ज़्यादा शहरों में बढ़ चुका है, जो तुरंत बनते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, समोसा, कचौरी, ये सब जगह क्या है आजकल अपन को हर बड़े शहरों में खूब मिल जाते हैं। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित थे। जहाँ पर कैसे सीमित थे, क्योंकि जहाँ पर था वो वहीं पर ये कल्चर अपनाता था, संस्कृति अपनाता था, परंतु ये अब लगभग पूरे देश में फैल चुका है। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। भाई चाइनीज़ नूडल्स मतलब जो आप ये मैगी वगैरह खाते हो, चाउमीन वगैरह खाते हो, तो ये क्या है, चाइनीज़ नूडल ही है। तो ये पहले वहाँ चाइनीज़ में ही बनती थी ये, परंतु अब ये पूरे देश में फैल चुकी है, तो आजकल इसको सब जानते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित, आलू चिप्स मतलब ये होते हैं ना, लेज, कुरकुरे ये होते हैं, तो विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बना चुका है। मतलब विज्ञापन दिया जाता है आलू चिप्स के, जैसे लेज वगैरह के देखे हैं आपने, अंकल चिप्स के, तो इनके क्या होते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, तो इससे सब जने परिचित हो चुके हैं कि भाई ये क्या होते हैं। आलू चिप्स के नाम पर विज्ञापित रूप के लेज, कुरकुरे इनको दे दिया नाम। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। जो गुजराती में क्या फेमस है, ढोकला, गाठिया ये फेमस है, तो ये वहाँ तक ही सीमित नहीं रहे, इनका स्वाद क्या है हर राज्य के अंदर पहुँच चुका है। बंगालिया मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा भी नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। मतलब पहले कम प्राप्त मिलती थी अपन को, अब ये अधिक रूप में अपन को प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है आसानी रूप से। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजनों
पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। भोजन विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की जो वैरायटियाँ होती हैं, मतलब जैसे गुजराती, दक्षिण भारत का, इन सबको एक साथ में मिलाया जाता है जैसे मध्यम वर्गीय लोगों में। तो इससे क्या होती है, जो भोजन विविधता है, मतलब अलग अलग प्रकार की भोजन विविधता भी क्या कर चुकी है, अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज्य तक जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। मतलब जो अंग्रेजी राज्य जो के लोग थे, साहिबी ठिकाने थे, मतलब जो अंग्रेजी जो राज्य करते थे, उनमें जो ब्रेड वगैरह केवल वहीं खाई जाती थी, ये अंग्रेजों का चलन था। परंतु अब क्या है, ये हर कस्बों में, हर सिटी के अंदर ये नाश्ते के रूप में खाई जाती है। सब इसके नई नई वैरायटियां बनाते हैं ब्रेड से और वो नाश्ते के रूप में खाते हैं। तो खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर हुई है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। मतलब कहने का मतलब, स्थानीय व्यंजन वो होते हैं जहाँ स्थान पर बनाए जाते हैं, वहाँ के फेमस प्रसिद्ध व्यंजन, जो घटकर क्या चीज़ों तक सीमित रह गए। परंतु जो बम्बई की पाव भाजी और जो दिल्ली के छोले कुलचे हैं, पहले की तुलना में बड़े जरूर हुए हैं। मतलब आसानी रूप से पहले वहीं प्राप्त होते, अब ये हर सिटी के अंदर अपन को प्राप्त इजीली मिल जाता है। पर इनकी तुलना क्यों कम हुई है, मतलब इनकी व्यंजनों की दुनिया छोटी क्यों हुई है, क्योंकि अब इन लोगों को कम लोग खाते हैं और चीज़ों भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे लोबा, चाउमीन, बर्गर, ये तो आम बात हो गई, पिज़्ज़ा, ये तो सब लोग खाते हैं। तो इन लोगों को कौन पूछे, अब उनका चाव बड़ा है, तो नई नई पीढ़ी है अब नए नए व्यंजनों का स्वाद लेती है, तो इनकी दुनिया क्यों गई छोटी हो गई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों के और आगरा के पेठे नमकीन अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। गुणवत्ता मतलब कमी आई है, देखो महंगाई बढ़ी है तो उनकी गुणवत्ता में क्या आ गया, फर्क पड़ा है, क्योंकि वो पहले जैसा गुणवत्ता नहीं रही, जो स्वाद था वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उनकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खाद्यों से भी व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने के लिए फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य हो गया है। कहने का मतलब है कि जब मौसम और ऋतुओं के जो फल थे, खानदान व्यंजन थे, अब उनके फुर्सत ही नहीं है लोगों को बनाने का, जैसे टाइम मिलता है वैसे ही बनाते हैं। जैसे गृहिणी हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, कि लोगों को इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो जो मौसम और ऋतुओं के जो फल खाद्यान्न होते हैं उनसे जो व्यंजन बनते हैं उनको बनाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। आजकल क्या है, रेडीमेड सब तैयार रखते हैं, अरे जो आसानी से बन जाए उसको बना लेते हैं, और रेडीमेड सब मिल जाता है आजकल, तो उसको प्राप्त कर लेते हैं, इजीली मिल जाता है अपन को, तो इतना टाइम है ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये व्यंजन तैयार करना क्या हो गया, दुसाध्य हो गया है। यानी हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर वही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। मतलब कभी कभार अपन क्या करते थे, जो देसी विदेशी व्यंजन थे उनको बनाने के लिए जो कोई पुस्तिकाएं वगैरह होती ना मैगजीन वगैरह, इनमें आ जाती थी, तो उनको देख के अपन बना लेते थे, पर अब लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, कि उनके जीवन ऐसा क्या हो गया, भागम भाग वाला हो गया है। तो ये क्या कर रही है, स्थिति स्वाभाविक नहीं है अपनी,
फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है कि आज जो है इतनी महंगाई है कि अपन कोई भी चीज़ लेने जाए 100-150 से कम आती नहीं है। तो लोग सोचते हैं अरे यार 100-150 में कुछ और ले लेंगे, अपन 10 प्रकार की सब्जियां ले लेंगे, तो इसलिए उनको वो अपनाते ही नहीं है। जिन व्यंजनों बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के लिए भले पकाने के बारे में भला कौन चार बार ही नहीं सोचेगा। मतलब जो मेव होते हैं जैसे काजू बादाम जो होते हैं ना मेव, उनको अब हर चीज़ उनमें अगर कोई खीर बना रहा है या हलवा बना रहा है तो इनमें मेवों की तो ज़रूरत होती है। पर आजकल क्या है मेवों का महंगाई इतनी है कि लोग इनको बनाने के लिए कितनी बार चार बार सोचते हैं कि कौन बनाए इनको, छोड़ो यार तो बेकार है। तो खान पान में जो विविधताएं आई हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है कि किस किस तरह से खान पान में विविधता आई है, कि एक स्थान एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यंजनों का, जैसे दक्षिण भारत का जो व्यंजन है वो उत्तर भारत में भी इस अपन को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। इसका जो नेक्स्ट अध्याय जो अध्याय है पार्ट है अपन उसमें आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।